केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भिलाई के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 32वें बैच के नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 251 आरक्षकों ने हिस्सा लिया। समारोह में CISF मध्य क्षेत्र के महानिरीक्षक संजय प्रकाश मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने कहा कि CISF देश की आंतरिक व सामरिक सुरक्षा के साथ ही देश की प्रगति में भी अपना दायित्व निभा रहा है। ये हमारी RTC भिलाई जो है वो ड्राइवर्स ट्रेनिंग की CISF की प्रीमियर और ओनली इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और हमारे जितने भी वाहन चालक नियुक्त होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और ये पास आउट होके अभी फील्ड में जाएंगे तो हमारी जो कमियाँ हैं ड्राइवर्स के रैंक में वो पूरी होंगी और उससे फौज को बल मिलेगा। वहीं केंद्र के उप महानिरीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने बताया कि केंद्र में आरक्षक व कांस्टेबल ड्राइवर के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और इन्हें हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। RTC में इनको ड्राइविंग स्किल के साथ ही साथ जो और चीज़ें फोर्स के लिए ज़रूरी है, एक आरक्षक के लिए ज़रूरी है, वो सारी सिखलाई इनको दी जाती है, जिसमें CISF एक्ट एंड रूल की, CISF के नियम कानून की जानकारी, देन वेपन की ट्रेनिंग सारी, और ड्रिल कवायद ये सब करना, और उससे ज़्यादा PT और शारीरिक इस पे जो है, तो ये सारी चीज़ों का एक समेकित जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और उद्देश्य ये होता है कि ड्राइविंग ड्यूटी चूँकि ऑपरेशनल होती है, कहीं भी जो है वो फोर्स को जाना है, लड़ना है, तो ड्राइवर व्हीकल वो एक अनिवार्य आवश्यकता है, तो इसलिए इनको तैयार किया जाता है कि ये उस सुरक्षा के चुनौती देने के माहौल में ये अपने को दूसरे साथियों के साथ जरूर पड़े तो वेपन भी फायर कर सकें, और इनको टैक्टिकल एडवांसमेंट मालूम हो कि फोर्स को कहाँ ले जाना है, कहाँ सुरक्षित है। इस दौरान नौ आरक्षकों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल RTC के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उनके परिजन भी विशेष रूप से मौजूद थे।